बाला तिरुपति मंदिर के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनको सुनकर के अत्यंत कष्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में इस तरह की मिलावट करना, घी में मिलावट करना, लड्डू में मिलावट करना, और जिसे प्रसाद कहा जाता है, प्रसाद शब्द का अर्थ न समझने के कारण विधि निषेध, मंदिरों की व्यवस्था और मंदिरों में प्राप्त होने वाले प्रसाद की व्यवस्था में क्या क्या शास्त्र विहित है। कर्मकांड भाग है, परमात्मा की आराधना का एक अंग है, तो इसमें शुद्ध वस्तु होनी चाहिए। यज्ञ करना है, भगवान को नैवेद्य रखना भी यज्ञ है। यज्ञ में पवित्र गो लक्षणा गाय का घृत होना चाहिए। गो माता के घृत से ही भगवान के नैवेद्य का निर्माण हो, पवित्रता से हो, पवित्र लोग निर्माण करें और उसका वितरण किया जाए, यह अभीष्ट हुआ करता है। सभी लोग यही चाहते हैं और यही व्यवस्था है। ये अपराध कैसे हुआ है और कितने दिन तक होता रहा, वहां के जो संचालक हैं उन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है और अधिकार व्यवस्था है, किसे क्या करना चाहिए। ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना, ये शासन का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना। जिनका ये विषय है, धर्म का विषय है, उसका निर्णय धर्माचार्य देंगे। पुजारी कैसे होने चाहिए, कौन से मंत्र होने चाहिए, किस भगवान के लिए किस मंत्र का उपयोग किया जाए, उनके नैवेद्य की व्यवस्था क्या होगी, उनके लड्डू के, फूल के, तुलसी, बेल, बिल्व पत्र, सबकी व्यवस्था का अलग अलग निर्देश है। इसके लिए प्रामाण्य बुद्धि वेदेशु साधना नाम अनेकता, साधना में अनेकता है, लेकिन सभी के लिए प्रमाण तो वेद ही है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो उन शास्त्रों और वेदों का प्रमाण का आश्रय लेकर के ही मंदिरों का संचालन हो, उनका पूजन पाठ हो। शासन को इस विषय पर विचार करना चाहिए। जो हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थान है, धर्म के केंद्र, ये तो हिंदू के मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र है, हमारे हिंदुओं के मुख्य केंद्र, आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। यहाँ ब्रह्म और धर्म की सत्ता विद्यमान होती है मंदिरों में और तीर्थों में। उस भाव से हम लोग जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, प्रसाद वहां लेते हैं, और जब यह सूचना मिले कि इस प्रसाद में चर्बी है, अभक्ष है, जो ऐसी वस्तुओं से मिलावट इसमें की गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो दुख होता है। इस बात पर मूल इसमें बात क्या है, मूल बात यह है कि अगर बाला तिरुपति जी मंदिर का संचालन किसी महात्मा के पास होता, धर्माचार्य के पास होता, आचार्य के पास होता, परंपरा वाले आचार्य के पास होता, संप्रदायाचार्य के पास होता, तो ये गलती कभी नहीं हो सकती थी। ये तदर्थ इन सब में सुधार होना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि वह मिलावटी घी कहाँ से आया। इसलिए हम लोग यह मानते हैं कि असली दूध नकली दूध, असली घी नकली घी, असली हिंदू नकली हिंदू, ये भी आवश्यक है जानना, कौन असली हिंदू है, कौन असली धर्माचारी है, कौन असली पूजा करने वाला अर्चक है जिसे पूजा पाठ और शास्त्रों का ज्ञान है, और जो वहां व्यवस्थापक हैं वो मंदिर की संपूर्ण विधि के ज्ञाता हैं कि नहीं है, ये जान करके ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। जो भी वहां के संचालक हैं, जिनके संरक्षकत्व में उस मंदिर का संचालन हो रहा है, वो भूल सुधार करें और भविष्य में ऐसा कभी ना हो, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको दंडित किया जाए। इस अपेक्षा के साथ हम चाहेंगे कि भगवान द्वारकाधीश और भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज सभी सनातन धर्मावलंबियों को सद्बुद्धि प्रदान करें।